हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल Study58 पर। आज इस वीडियो के अंदर हमने जो नेक्स्ट टॉपिक देखा था, इतिहास का वर्गीकरण, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आ चुके हैं। उन क्वेश्चन का हम इस वीडियो के अंदर रिवीजन करेंगे। तो यही वो क्वेश्चन है, तो इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, यानी जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब तक एग्जाम के अंदर आया गया। इसमें देखो, एक अतिरम पक्कम या अतिर पक्कम, इसे अतिरम पक्कम या अतिर पक्कम दोनों में से कोई भी नाम आए, यही है। यह तमिलनाडु के अंदर भारत का खोजा गया दूसरा प्रमुख स्थल है, जिसकी खोज किंग महोदय ने की थी, जो कि रॉबर्ट ब्रूसफुट का एक मित्र था। रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में हमने पहले पढ़ा था कि ये भारत में प्रागैतिहासिक खोजों के जनक कहे जाते हैं। तो इन्हीं के एक दोस्त थे किंग, और किंग ने इस अतिरम पक्कम नामक स्थल की खोज की, जो भारत में प्रागैतिहासिक काल का खोजा गया दूसरा स्थल था। पहला स्थल था पलवरम, जो तमिलनाडु के अंदर ही स्थित है। दूसरा एक स्थान है हथनोरा, ये मध्य प्रदेश के अंदर नर्मदा घाटी के अंदर स्थित है। यहाँ से एक मानव खोपड़ी मिली है, यहाँ से मानव खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो मानव खोपड़ी और कंकाल का पहला साक्ष्य हमें हथनोरा, मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी के अंदर, यहाँ से प्राप्त हुआ है। दूसरा है, आगे है नेक्स्ट, भीमबेटका की गुफाएं। तो ये भीमबेटका की गुफाएं नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं, और इस गुफा से चित्रकारी के, इस भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मिले, और यहाँ से हमें तीन काल की चित्रकारी के साक्ष्य मिले, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। इन तीनों कालों की हमें चित्रकारी के प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं से मिले हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस भीमबेटका की गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगला है नेक्स्ट, मिर्ज़ापुर, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, और मिर्ज़ापुर से भी हमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के हमें औजार मिले। अब ध्यान रखना है कि तीनों कालों की चित्रकारी तो मिली है भीमबेटका की गुफाओं से, और तीनों कालों के औजार, यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों कालों के औजार हमें मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से मिले हैं, जो कि ये मिर्ज़ापुर बेलन नदी घाटी में स्थित है। सॉरी, ये बेलन नदी घाटी, ये जो विंध्य प्रदेश है इसके उत्तरी छोर पर स्थित है, यही मध्य प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। ये विंध्य पर्वत का ये उत्तरी छोर है, यहाँ से बेलन घाटी, एक हमने पढ़ा था इससे पहले सोहन नदी घाटी, जो कि पाकिस्तान के पंजाब के अंदर स्थित है। ठीक है, अब देखेंगे ये बेलन नदी घाटी क्या है, इसी के बारे में हम स्पष्ट करेंगे जो अभी पढ़ रहे थे। ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहाँ से हमें अस्थि निर्मित एक मात्र देवी की प्रतिमा मिली है हमें, जो कि पूरा पाषाण काल का एक महत्वपूर्ण कलात्मक साक्ष्य। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि पूरा पाषाण काल का कलात्मक साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये बेलन नदी घाटी की जो मिर्ज़ापुर के स्थित है यहाँ से मिला, और वो क्या मिला है, मातृ देवी की प्रतिमा जो अस्थि निर्मित है, यानी हड्डियों से बनी हुई है। अब है नेक्स्ट, अब देखो हम एक हथनोरा के बारे में ही पढ़ेंगे, जो कि ये क्वेश्चन नेट एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है 2015 के अंदर, जो हिस्ट्री की नेट हुई थी
उसके बारे में आ चुका है। तो ये वह स्थान है जहाँ से मानव जीवाश्म के अवशेष सब स्थान है, यानी मानव जीवाश्म जो यहाँ से अभी हमने पढ़ा था कि एक मानव की खोपड़ी और उसका कंकाल जो प्राप्त हुआ है तो वही इसे ही मानव जीवाश्म कहते हैं। और सब अवशेष सब स्थान है और पूरा पाषाणीय उपकरणों के साथ मिले हैं, तो ये हमें हथनोरा से मिला है। और अभी पिछले कुछ समय पहले एक अश्मीकृत शिशु कंपाल हमें प्राप्त हुआ है, तो वो शिशु कपाल हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, वो ओदे से प्राप्त हुआ, और ये नेट 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखो, सब स्थान है पूरा पाषाण उपकरणों के साथ मानव जीवाश्म यानी मानव खोपड़ी और कंपाल जो का पहला शख्स है वो तो हथनोरा से प्राप्त हुआ है, और अभी कुछ समय पहले ही ये नई खोज हुई है। और इस खोज के अंदर एक अश्मीकृत जो शिशु कपाल प्राप्त हुआ है वो हुआ है ओदे से, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं नेट के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को भी आपको अपलोड करूँगा, और नेक्स्ट ये वीडियो के अंदर इस चैप्टर को मैं अपलोड करूँगा, जो चैप्टर ये तैयार है मैटर देख सकते हो। इसके अंदर हम मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में नव पाषाण काल, ऐसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, और ये पूरा पाषाण काल का ये चैप्टर हमारा क्लियर हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, तथा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसके अलावा मैं फर्स्ट पेपर के लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित वीडियो भी कुछ ही समय में प्रारंभ करने वाला हूँ, और जिसमें सबसे पहले मेवाड़ के इतिहास से संबंधित वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो धन्यवाद।